ग्वालियर के निजी हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत हो गई। मुरैना के पोरसा के रहने वाली राधा जाटव को परिजन इलाज के लिए भारत अस्पताल लाए थे। राधा जाटव की मौत होने पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ पे थोड़ा पेट दर्द हुआ, यहाँ तक आए तब ठीक थी, बोल रही थी, अच्छे भले थोड़ी बहुत बोल रही थी। जब सुबह तक भी 4 बजे तक, सुबह 8 बजे तक बोली है, 8 बजे बाद इन्हें ना मिलने दिया किसी को ना कुछ, पैसे जमा करवा ले, फिर उसके 10 मिनट बाद क्या बोलते हैं कि ले जो ज्यादा सीरियस है, हमने मुंह उठाया तब तक खत्म हो चुकी थी। लापरवाही अपने यहाँ कुछ नहीं हुई थी, ये पहले से 2 जगह से रेफर होके आए, वेदांश और रिम्स। तो अपने यहाँ इन्हें कहा कि तुम आप मेरी रिस्क है पूरी, आप तो इलाज करिए, 5000 इन्हें जमा किए रुपए, उसके बाद इन्हें रिफंड भी किए गए। फिर इन्हें साइन किए कि जो भी जिम्मेदारी होगी हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं है ना स्टाफ की है, आप तो बस मेरे मरीज को बचा लीजिए। इन्हें साइन किए सब चीज़ की, उसके बाद हमने इलाज शुरू किया। इसके पेट में जो बच्चा था वो वहीं मर चुका था, पेट में की नसों में, तो इसलिए उसकी जान चली। कंट्रोल द्वारा सूचना मिली थी भारत हॉस्पिटल में कुछ विवाद की स्थिति है, तो जिस सूचना की तस्दीक हेतु हम लोग पुलिस बल के साथ यहाँ आए थे, तो पता चला कि एक महिला इलाज के दौरान ख़त्म हो गई है। तो जब उसके परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी और उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो यहाँ पे जो इलाज चल रहा था ऑपरेशन का बोला था डॉक्टर्स ने, तो ऑपरेशन से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है। तो पूरी जांच के लिए अब मर कायम कर रहे हैं, मर कायम करके बॉडी का पीएम करवाएंगे, अगर अनियमितता होगी जो भी जांच में सामने आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई करी जाएगी।